राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोग अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। तो हो गई है फ्रेंड्स सुबह की ठंडी ठंडी शुरुआत हमारे बर्तन मांजने से। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया है, खाना पीना और नहावा धोई सब कुछ हो गया है। सुबह हम 5 बजे उठे थे आज, और मेरे हस्बैंड भी काम पर निकल गए थे 6 बजे। तो मेरी सासू माँ और मेरे दोनों बच्चे भी मामी के घर चले गए हैं और बस मैं अकेली हूँ। तो मैं जल्दी से बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ। और मुझे आज तिली धोनी है फ्रेंड्स, क्योंकि संक्रांत पास में आती जा रही है, संक्रांत को 1 महीना रह गया है, तो आज मुझे तिली भी धोनी है फ्रेंड्स। तो और फिर मौसम का पता भी नहीं कब कोहरा छप रहा है, कब कैसा हो रहा है। और फ्रेंड्स ये देखो मेरी कढ़ाई कैसी जली हुई है, कल रात में हमने पूड़ियाँ बनाई थी तो हमारी कढ़ाई बहुत जल गई थी। तो मैं आज अपनी कढ़ाई को मरहम से मांजूंगी, ये हमारे पहाड़िया की मिट्टी है तो हम इसे जले हुए बर्तन मानते हैं। तो हमारे जले हुए बर्तन इस मिट्टी से बहुत जल्दी साफ निकल आते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस थोड़ा घिसना पड़ता है और कढ़ाई एकदम साफ निकल आएगी फ्रेंड्स। और इस मिट्टी से हम लोग गोबर भी लीपते हैं, हम लोगों को गेवरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी मिट्टी से हम लोग गोबर लीपते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे पहाड़ियों पर ही मिट्टी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से मांज लेते हैं अपनी कढ़ाई। और मेरे पीछे मेरे पड़ोस की दीदी आई हैं, वो लेजम मांगने आई हैं क्योंकि उनके घर है उठाई हो रही है, तो वो लेजम मांगने आई हैं। तो मैंने बोल दिया मैं अपना पानी भर लूँ सो ये ले जाना, तो वो बोली ठीक है। तो मैं भी जल्दी से तिली धो लेती हूँ, फिर उनको लेजम देनी है। तो मेरी कढ़ाई देखो फ्रेंड्स कितनी साफ निकल आई है, ये देखो बिल्कुल चमक गई है, कैसी जली हुई थी और मिट्टी से कितनी साफ निकल आई है। और अब हम यहाँ पर सफाई कर देते हैं, लाल मिट्टी बहुत फैल गई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ की सफाई कर दी है फ्रेंड्स। अब चलो हम बर्तन को कमरे में रखाते हैं और तिली को निकाल लेते हैं डिब्बों में से, जो डिब्बे वगैरह में तिली भरी रखी है वो निकाल लेते हैं। और कुछ इस झोला में तिली रखी है और कुछ डिब्बे में रखी है अलग, तो दोनों तिली को हम धोकर रख देंगे फ्रेंड्स। और हम डलिया ले लेते हैं, एक कपड़ा ले लेते हैं क्योंकि तिली बहुत बारीक होती है और वैसे डलिया में अगर तिली रखेंगे तो सारी तिली बिगड़ जाएगी। तो कपड़ा बिछाकर डलिया में कपड़ा बिछाकर तिली को निकालेंगे तो तिली बिगड़ती नहीं है। तो हमने डलिया में कपड़ा बिछा लिया है, अब हम तिली को धो लेते हैं। और अभी लाइट भी चली गई है, अभी मोटर नहीं चल रही है हमारी। तो जब तक हम तिली को ऐसे ही धोएंगे रगड़ेंगे। और फ्रेंड्स हमने तिली को देखा नहीं है और रस्सी डाल दी है, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी सुड़ी थी फ्रेंड्स, इल्ली पड़ जाती है ना तिली में, वो थी। तो मुझे बहुत टाइम लग गया था तिली धोने में, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सुड़ी निकल नहीं रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था फ्रेंड्स। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी तिली में से सुड़ी निकालते। और फिर मेरी लाइट भी आ गई है तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि अब तो निकल ही जाएंगी क्योंकि सैला पानी मिल गया था मुझे। तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत आ रही थी, सुड़ी थी ना तिली में, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने कैसे भी करके सारी सुड़ी को निकाल दिया है और तिली को बिल्कुल साफ तरीके से धो लिया था। और यहाँ पर मेरी सासू माँ आ गई हैं आरबी को लेकर, और आरबी ऊधम करने लगी, तिली बगराने लगी थी, तिली उठा उठा बार बार मुट्ठी भर भर ले रही थी। तो मैंने उसको पकड़ा और वो लेजम से भींज गई थी फ्रेंड्स। और
ठंडे आ भी रही थी, वो देखो कैसे लेज हमको पकड़ पकड़ के उल रही थी, तो हमने उसको एक साइड बैठा दिया। तो फ्रेंड्स अब हम डब्बे की भी तिली जल्दी से धो लेते हैं। और मेरी यार भी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, जाने क्या खा रही थी, मुंह में तिली ही खा रही थी। तो मैंने वो लेज हमसे पानी पीने लगी, तो मैंने उसको थोड़ा पानी पिलाया। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से हम डब्बे की तिली धो लेते हैं। और मेरी सासू माँ आ गई हैं, वो कहने लगी कितनी सारी तिली फैला दी तुमने। तो मैंने पहली बार तिली धोई है फ्रेंड्स, तो थोड़ी बहुत बगर भी गई होगी। फिर फ्रेंड्स हम अपनी आरबी को कर देते हैं तैयार, क्योंकि हमारी आरबी हम तिली धो रहे थे तो मेरी आरबी पूरी भींग गई थी पानी से। तो फिर मैंने उसको उसके हाथ पैर धुलाकर उसको तैयार कर दिया है। वैसे तो मुझे आज नहलाना था क्योंकि आज बुधवार है, इतवार बुधवार मैं बच्चों को नहलाती हूँ, लेकिन आज हवा चल रही थी तो मैंने उसके हाथ पैर धुलाकर उसको तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमने आरबी को तैयार कर दिया है और हमने वहाँ पर तिली को अपने एक डलिए में रख दिया था। तो अब हम तिली को ले आए हैं धूप में, और अब तिली को हम छीलेंगे। छीलकर तिली के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो हम तिली में देख रहे थे कहीं सूढ़ी वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक भी सूढ़ी नहीं दिखानी मुझे। और हमने ये लिए बोरी, बोरा बोलते हैं के बोरी बोलते हैं इसे, लेकिन हमारे इधर तो बोरी बोलते हैं। तो हमने ये बोरी ली है, अब इस पर हम तिली को रगड़ेंगे। इस तरीके से तिली को रगड़ने से ना बिल्कुल सफ़ेद तिली छिल जाती है और एकदम सफ़ेद निकल आती है। और मैंने सुबह तिली धोकर रख दी थी तो फूल गई थी हमारी तिली अच्छी। तो अब हम तिली को अच्छे से रगड़ देते हैं तो बिल्कुल साफ निकल आएगी हमारी तिली, सफ़ेद हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स अब सारी तिली को हम जल्दी से रगड़ लेते हैं, और मेरे साथ मेरी आर भी तिली को रगड़वा रही थी, और आधी रगड़वा रही थी आधी बगड़ा रही थी। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी तिली सफ़ेद सफ़ेद निकल आई और उसमें फुकली अलग हो गई है। तो तिली को हम रगड़कर सारी सुखा लेंगे, फिर जब हमारी तिली सूख जाएगी तो हम तिली को फटक देंगे, तो फुकली फुकली अलग हो जाएगी और सफ़ेद तिली अलग हो जाएगी। तो अब हम जल्दी से अपनी सारी तिली को रगड़ लेते हैं फ्रेंड्स। और मेरी आरवी भी देखो कितना उदम कर रही है, इतना उदम शरारत कर रही है। स्टॉल वगैरह उसमें तिली रखी थी तो उसने थोड़ी तिली फैला दी थी फ्रेंड्स। तो हमने सारी तिली को रगड़ लिया है, तिली को सूखने के लिए डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने सारी तिली को सूखने को डाल दिया है, देखो हमारी तिली कितनी सफ़ेद निकल आई है। और ये हमने अलग तिली धोई थी डिब्बे वाली, इसको नहीं रगड़ा है, इसको ऐसे ही सूखा लेंगे। तो इसके लड्डू नहीं बनाने हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे किचन में, मतलब कभी कुछ ना कुछ जैसे कुछ बनाने लगते हैं तो उस चीज़ के लिए तिली हमने धोकर रख दी है, जब से कुछ बनाते हैं तो उसमें डालने के लिए। और जो सैली तिली धोई है वो उसके लड्डू बनाएंगे हम। और मेरी यार भी देखो तिली कैसे खा रही है, भर भर मीठा। और यहाँ पर देखो तिली खाई तो खाई, और मेरी आरवी ने देखो डलिया की क्या हालत कर दी है, सारी तिलियाँ पिचका दी है, तोड़ दी है इसने, क्योंकि डलिया के ऊपर बैठ रही थी और उसके अंदर बैठ रही थी, तो उसने पूरी डलिया तोड़ दी है। और हम यहाँ पर लगा देते हैं पलंग, क्योंकि अंदर चले जाते हैं तो गाय वगैरह आ जाती हैं इधर से हमारे, तो हमने वहाँ पर लगा दिया है पलंग। और अब हम डलियों को अंदर रख देते हैं, और अब हम खाएँगे अमरूद। ये रात में हमारे पतिदेव लाए थे अमरूद, हमने मंगाए थे उनसे, मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो हमने रात को उनसे मंगाए थे, तो वो 1 किलो अमरूद लाए थे। तो फ्रेंड्स अब हम अमरूद आरवी को दिखा रहे हैं, तो आरवी देखो कितनी जल्दी जल्दी आ रही है अमरूद देखकर। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी हमारे साथ अमरूद खाइए। तो अब हम अमरूद को आरवी को दिखा रहे हैं, तो आरवी देख कितनी जल्दी आई है, आरवी ने एक साझा अमरूद ले लिया है और देखो पूरा अमरूद खाएगी लड़की जैसे खाई लेगी। तो देखो फ्रेंड्स अब वो कुत्ता आ गया है पीछे, उसको खिलाने जा रही है देखो। फिर मैंने आरवी से अमरूद लिया और अमरूद को धोने चले गए। तो फ्रेंड्स हमने अमरूद को धो लिया है, फिर हम अमरूद काटेंगे। और मेरी आरवी देखो कैसे बड़ा वाला अमरूद उठा रही है,
तो अब हम अमरूद को काटेंगे और इसमें काला नमक मिलाकर खाएंगे। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ अमरूद खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों के अमरूद। तो जल्दी से हमने अमरूद को काट लिया है और काला नमक मिला दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोग खा लीजिए अमरूद। ये अमरूद खाने में बहुत मीठे हैं, देखने में हरे लग रहे हैं लेकिन खाने में बहुत मीठे हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ अमरूद खाइए। और मेरी आर भी खा रही है अमरूद, देखो, और वो सारा मांग रही है और तिली फैला रही है। आज हमने तिली धोई है तो वो फैला रही है। और अमरूद खूब खाती है लड़की, इसको बहुत पसंद है, पर कम देते हैं, सर्दी जुकाम का डर रहता है, सर्दी बहुत पड़ रही है। और मुझे अमरूद बहुत पसंद है फ्रेंड्स, सर्दियाँ आई नहीं कि हमने अमरूद मंगाना शुरू कर दिए, और मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग खा लीजिए लो फ्रेंड्स अमरूद। तो जल्दी से आ जाइए हमारे साथ खाइए आप लोग भी अमरूद। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए अमरूद। मेरी आर भी देखो कैसे अमरूद खा रही है। और सच में फ्रेंड्स ये अमरूद खाने में बहुत ही मीठा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये अमरूद मेरी आरवी को भी बहुत अच्छा लगा है, देखो कितनी जल्दी जल्दी खा रही है मेरी आरवी अमरूद। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं कमरे में और मेरी आरवी बहुत रो रही है सोने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम आरवी को सुला देते हैं और हाथों में ग्रीसलिन वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि मेरा सारा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को तो आप लोग अपने प्यारे से हाथों से हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।